तो दोस्तों आज हम हमारे खेत में पहुंच गए और ये रहा हमारे खेत का कुआं। इसमें बहुत ही कम पानी है, देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा कम पानी है। ये देखिए बहुत ही सूखा सूखा है, आपको बैक कैमरे से बता दूं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम पानी है यहाँ पर। कम पानी के होने के कारण हमारे खेत की फसल बहुत ही कम बनती है और यहाँ पर देखिए गेहूँ भी ज़्यादा मात्रा में नहीं बन पाया। ये हमारी फसल है, बहुत ही कम मात्रा में हमारे गेहूँ उगते हैं जिस कारण से हमारी घर संपत्ति में कम उछाल आता है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो दोस्तों ये देखिए, हमने जब एक कुआं खोदा था फिर गणेश जी की स्थापना किए थे। हम यहाँ पर जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ पर पूजा ज़रूर करते हैं, पत्थर ही हमारे देव होते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने अनार का पेड़ लगाए, यह बहुत दिनों बाद हमें अनार देगा लेकिन बहुत ही मज़ा रहेगा। ये देखिए, ये वीडियो बनाने के एक्ट देख रहा है। ये देखिए दोस्तों, मोटर भी हमारे कुएं से पानी निकालती है और इधर की ओर सप्लाई करते जाती है। ये देखिए कैसे मुंडियों का सहारा लेकर ऊपर की ओर पानी ले जाते हैं। या देखिए हमारे जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की है, कभी भी कोई भी इंसान भी आकर हमारे कुएं से पानी निकाल कर पी सकता है। तो आगे चलिए देखते हैं इधर कहाँ तक हमारी फसल अच्छी है, कहाँ से मक्का वगैरह तो फिलहाल दिख नहीं रहे, कुछ ही पेड़ दिख रहे हैं मक्के के। और ये हमारी फसल है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसे वो कहते हैं राई, जिसको हम हिंदी वर्ड में बताएंगे कि इसको सरसों कहते हैं। ये रहे सरसों के पेड़, ये सरसों के पेड़ हैं, सरसों का तेल बनाया जाता है इससे और बहुत ही स्वादिष्ट तेल होता है ये। ये हमारी गेहूँ की फसल है। इधर देखते हैं दोस्तों और क्या क्या बुआई किया है हमने, हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे खेत में और क्या क्या बुआई है। फ़िलहाल तो मक्के के कुछ पेड़ बचे जो कि कभी भी खाने की इच्छा हुई तो लेके जाते हैं हम, और गेहूँ है जो हमको रोज़ाना की तरह रोटी बनाकर खाने में उपयोग होते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं हमारे अमरूद के पेड़ के पास कि आखिर अमरूद बची है या नहीं। दोस्तों अब पेड़ भी हमें बहुत सूखा हुआ दिख रहा है, पानी की बहुत ही कमी आ चुकी है। यहाँ पर अमरूद का पेड़ है, हमें अपनी हिंदी भाषा में इसे जाम कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ पेड़ यहाँ पर ये भी बुआई की है जो कि धनिया के है, बहुत ही आकर्षक मनमोहक लगते हैं पेड़। देखिए आप देख सकते हैं, इन्हें तो क्लिप बनाकर वॉलपेपर डाल दे ऐसा लगता है, बहुत ही सुपर। दोस्तों देखिए यहाँ पर ओला वर्षा बारिश के कारण कभी कभी ऐसी हवा धुंध से बहुत ही नुकसान हो जाते हैं। देखिए बहुत सारा गेहूँ गिर चुका है। तो दोस्तों हमारे अमरूद का पेड़ है, यहाँ पर जाम अमरूद जिसे हम दोनों नाम से जानते हैं, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। हमको अभी फ़िलहाल कोई भी जाम अमरूद जिसे हम बोलते हैं खाने को नहीं मिलेगा। देखिए तो दोस्तों ये देखिए, एक खस गया एक कुआ, ये मेरे दादाजी के हाथ का है, ये पेड़ भी मेरे दादा के हाथ का है। हम अभी भी इस पेड़ से आम तोड़कर खाते हैं, ये टाइम नहीं फ़िलहाल अभी आम के सीज़न का नहीं, तो यहाँ पर आम बहुत ज़्यादा लगते हैं और हमारे दादाजी के हाथ के लगे पेड़ के हम आम खाते रहते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे पीछे दोस्त आ रहा है मेरा, जो मेरे साथ रहकर हमारी वीडियो बनाने में सपोर्ट करता है। ये देखिए उधर से ही चढ़ गया रास्ता छोड़कर, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पत्थर। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही मस्त छाव लग रही है, क्योंकि आम की पेड़ की छाव आपने भी कभी लेकर देखी होंगी, बहुत ही अच्छी लगती है आम की पेड़ की छाव।
और उनाले में अक्सर यह अच्छा लगता है कि छाँव में बैठकर कुछ खाना पीना हो जाए। तो दोस्तों हमने तो कोई खाना लाया नहीं अभी, इसलिए हम खा भी नहीं सकते, लेकिन हम अभी टाइम पास करके यहाँ पर मस्ती करेंगे और देखेंगे कुछ खाने को मिल जाए इस सुनसान जंगल जैसे एरिया में। सूखा हुआ है अभी फ़िलहाल, तो कुछ भी यहाँ पर खाने लायक मिलेगा तो नहीं, लेकिन चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक इमली का पेड़ मिला हमको, तो इमली के पेड़ के पास चलते हैं हम और देखते वहाँ पर क्या खाने को मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दूँ, इमली के पेड़ में इमली ही खाने को नहीं, लेकिन उसके पत्ती भी खाने को अच्छी लगती है। आपने कभी खाकर तो नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं आपको आज खाकर बताता हूँ, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती है, खट्टी मिट्टी लगती है ये इमली की पत्तियाँ। देखिए यहाँ पर चना बुआई किया था, लेकिन यहाँ से चना काट लिया गया और फिलहाल सूखा है अभी यहाँ पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा इमली का पेड़, इमली की पत्तियाँ हो गई, इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं और इसको हम खा लेते हैं। हम दोस्तों जंगल में रहने वाले अक्सर ऐसे कोई भी खाकर अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी टेस्ट लगती है कि मज़ा आ जाता है ये पत्ती भी खाने में। ये देखिए दोस्तों, बैक कैमरे से बताता आपको, ये देखिए इसके बहुत सी पत्तियाँ ऐसे खाने में मज़ा आ जाती हैं। यह देखिए, ये बहुत सारे तोड़ लेता हूँ अभी मैं, पूरी की पूरी लगभग हाथ में लेकर, जंगली आदमी हो जैसे, सॉरी बट जंगली आदमी जंगली नहीं होता, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी आपने इमली खाकर देखी हो, लेकिन इमली के बदले उसकी पत्तियां खाकर नहीं देखी होंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और आपको अगर टाइम मिले तो कभी खाकर देखना, इमली के पेड़ के पास फुर्सत से जाना। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी इतनी सारी पत्ती इकट्ठे खा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी कभी ऐसे मतलब सूखे इलाके में फंस चुके हैं, जहाँ पर लगभग कोई भी ऐसी मतलब खाने की व्यवस्था न हो, तो ऐसे सूखे सुनसान जंगल में आपको ऐसे अगर इमली का भी पेड़ मिल जाए, इससे भी अगर आप काम चला सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही मस्त इतना गुच्छा, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, तोड़ूँगा नहीं दोस्तों इस पेड़ को, तोड़ने से पेड़ों को हानि होती है, जिससे उसमें भी जान होती है। पत्ती खाने से पेड़ों को भी अच्छा लगता होगा कि आखिर हमारी पत्तियाँ ही तोड़ रहे हैं, ना कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा पेड़ है, हम इसको खा तो नहीं सकते पूरा, लेकिन देखो ये बहुत बड़ा पेड़ है, ये पूरा हरा हरा जो आपको दिखाई दे रहा है ना पीछे, वो पूरा का पूरा इमली का पेड़ है। मैं चश्मा निकाल लेता हूँ क्योंकि दिक्कत करता है थोड़ा। तो दोस्तों इसमें पूरा का पूरा खाना हो जाता है, कभी अगर उसके बाद वो थोड़ा पत्तियों का टेस्ट पीने के बाद अगर थोड़ा कुछ बच जाता है, दोस्तों देखो मेरे दांत पीले हो चुके उससे भी, हरे पीले टाइप के, जो कि वाइट थे पूरे टाइम। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम खाना ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों मेरी नज़र अभी ऊपर गई, बहुत ही सूख गया ये पेड़ भी, देखिए पानी नहीं होने के कारण ये बहुत ही सूख चुका है यहाँ का माल। लेकिन आप सोचेंगे इमली का पेड़ फिर क्यों हरा भरा है, तो दोस्तों आपको बता दूँ, इमली का पेड़ जो है ना बहुत ही अंदर गहराई तक अपनी जड़ें पहुँचाता है, बहुत ही सहनशीलता वाला पेड़ होता है, तो इसकी जड़ें अंदर होने के कारण यह बहुत हरा रहता है। आपको बता दूँ यह इमली की पत्तियाँ भी ज़्यादा खाना नहीं होता, और जो खट्टी हो जाती है, दांत अपने अगर खट्टे हो गए तो फिर बाद में खाना खाने में दिक्कत होगी।
चलिए एक बार अब खाता हुआ और चलते हैं हम स्टॉक लेकर अपना, इमली की पत्ती होगा, फिर थोड़ा थोड़ा खाएंगे, खट्टा लग रहा है बहुत। तो चलिए चलते हैं अब। मैंने ले लिया हाथ में थोड़ा बहुत, मेरा दोस्त देखो कि उधर क्या कर रहा है, वो अपना दिमाग उधर लगा रहा है, वो देखो पेड़ के पीछे छुप रहा है। ये देखिए पेड़ के पीछे क्या कर रहा है ये, देखिए उसने स्टैंड भी तान लिया, अब बनाएंगे वो वीडियो, हम मालूम नहीं किस टाइप से ये वीडियो बना देंगे। ये देखिए दोस्तों ये पीला पेड़ देखिए, आप सोचेंगे ये क्या पेड़ है, लेकिन ये कलर का पेड़ नहीं है, ये सागौन का पेड़ है जिसकी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेट होती है। तो दोस्तों मैं अभी वीडियो अपना बंद करता हूँ, और आपने मेरा खेत देख लिया और किस टाइप से हमें जंगल में, सूखे जंगल में क्या खाने को मिल सकता है, कौन सी पत्ती हम खा सकते हैं, ऐसे एक ही पेड़ बताया, लेकिन आगे चल के अगर मैं खेत में और घूमने निकला तो आपको और भी बताऊंगा कि कौन कौन से पेड़ यहाँ पर खाने में काम आ सकते हैं। ये देखिए पीछे से रिफ्लेक्शन लाइट हो रहा है, यानी कि सूरज की रोशनी आ रही है कलरिंग में। तो मैं बंद करता हूँ और अपने दोस्त के साथ बनाता हूँ अपनी कुछ वीडियो रील्स, और आप भी हमारे वीडियो रील्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे ब्लैक किंग यूट्यूब चैनल के साथ, ब्लैक किंग फैक्ट यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।